मोबाइल से चलो भाई भैया बिचारे बोला भाई भाई बिचारे माता की बंदे। पूज्य महात्मा जी की 150वीं आज वर्षगांठ है और वास्तव में महात्मा गांधी ने जितनी बातें भी बताई हैं हम सबके लिए एक ऐसा दिशा निर्देश है कि जिस पर जितना भी हम अमल करें वो कम है। और अब तो हमारी वर्तमान सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में देश को एक दिशा देने का काम कराया। जैसी हमारी सरकार आई थी हम लोगों ने तय किया प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कि हम न गंदगी करेंगे और ना गंदगी होने देंगे और कहीं पर भी अगर होगी तो हम इस काम में खुद लगकर काम करेंगे। एक देश के अंदर मुहिम बन गया। हमारे देश में 6 लाख से अधिक गांव हैं और अभी भी माता बहनें खुले में शौच में जाती हैं तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस ओर एक जो कड़ा कदम उठाया उसके अच्छे परिणाम आगे नजर आ रहे हैं। तो आज के दिन हम इस बात की शपथ लें कि न गंदगी करेंगे न होने देंगे और इस काम में अपने आप को पूरी तरीके से जोड़ने का काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा बरेली महानगर का अध्यक्ष, आज बड़े हर्ष का दिन है। 150वीं जयंती पर हम सब युवा एकत्रित होकर हमने स्वच्छता को महत्व देते हुए महात्मा गांधी जी के चित्र पर हमने उनका माल्यार्पण किया है और हम सभी युवा वर्ग स्वच्छता को लेकर के आगे अपने कार्यक्रम चला रहे हैं जो उनके द्वारा स्वच्छता का कार्यक्रम दिया गया है और आगे चलकर हम इसको सभी को शपथ दिलाएंगे और हल्के हल्के इसको बढ़ाते चलेंगे और एक दिन हम पूरा देश स्वच्छ करके दिखाएंगे। धन्यवाद। माथुर क्या कहना चाहेंगे गांधी जयंती पे? मैं ये कहना चाहता हूँ, सारी दुनिया को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने भारत में स्वच्छ भारत बनाएं और सभी लोगों से प्रार्थना है अपने आसपास की गंदगी को साफ करें और भारत को आगे ले जाने की कोशिश में कामयाबी लें। स्वच्छता का ये एक तो प्लास्टिक की पॉलिथीन का उपयोग बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए और साफ सफाई पूर्ण रूप से होनी चाहिए। जो मोदी जी अभियान चला रहे हैं पूरे देश के अंदर उस पे अमल होना चाहिए पूर्ण रूप से। मैं हरी हरी टहल कमेटी का गांधी उद्यान का मेंबर हूं और अपने स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम का मैं यहां शुरू करने जा रहा हूं कंपनी गार्डन के अंदर और इसमें अपने मेयर साहब नगर आयुक्त वगैरह सब आ रहे हैं और मैं उनसे ये प्रार्थना करूंगा कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पॉलीथीन का उपयोग बिल्कुल ही बंद कर दें और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। आज हम लोगों ने गांधी पार्क पे गांधी की प्रतिमा के सामने माल्यार्पण करा जिसमें मुख्य अतिथि हमारे उमेश गौतम और राजेश कुमार श्रीवास्तव है जिन्होंने कार्यक्रम को बढ़ाया। हमने गांधी की मूर्ति प्रतिमा जो 1996 के बाद आज तक सही नहीं हुई थी इसको हमने बाहर की कारीगर बना के इसको सही से इसकी स्थिति सुधारी पॉलिश कराई और आज बहुत सुंदर दिख रही है और गांधी ऐसा लग रहा है जैसे हंस रहे हैं। और चांदी की झाड़ू से मेयर साहब ने और मुख्य नगर अधिकारी ने कार्यक्रम का हमारा शुभारंभ किया। सबों का इसमें पूर्ण सहयोग रहा कभी और हमारे अध्यक्ष श्री राजेंद्र कोटेवाले ने सबको धन्यवाद दिया एवं सबका आभार व्यक्त किया और सबका नाश्ते और इस कार्यक्रम को असम टी कंपनी बड़े ने स्पॉन्सर किया।